अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के बावजूद भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर साइन कर दिए हैं। S-400 डील के तहत भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 5 सेट खरीदेगा। नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। भारत और रूस के बीच नेचुरल रिसोर्सेज, रेलवे, HRD, सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी, सागर से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुल 8 समझौते आज हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस के साथ अपने संबंधों को भारत सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तेजी से बदलती दुनिया में हमारे संबंध काफी अहम है। वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को नया मकसद मिला है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान कहा कि दोनों देश सुरक्षा और रक्षा व्यापार क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। पुतिन ने साथ ही ऐलान किया कि दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक दोनों देशों के बीच $30 बिलियन का व्यापार संबंध होगा। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने व्लादिवोस्तोक फोरम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी दिया है। भारत और रूस के बीच हुए यूं तो सभी समझौते अहम है, लेकिन S-400 पर हुआ समझौता भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। साल 2015 से भारत रूस से इस मिसाइल सिस्टम की डील को लेकर बात चल रही थी। S-400 ट्राइम्फ नाटो देशों में SA-21 ग्रोअर के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जिसे रशिया ने बनाया है। इसे अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बेहतर माना जाता है और इसी के डर से अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे। लेकिन भारत ने अमेरिका की परवाह किए बगैर रूस से ये डील की। वैसे भी अमेरिका को भारत रूस की ये दोस्ती रास नहीं आ रही है। भारत के पड़ोसी चीन पाकिस्तान की भी नज़र इस करार पर थी, लेकिन भारत ने इन सब के बीच रूस से 8 समझौते पर मोहर कर ये साफ कर दिया है कि वो रूस के साथ है। पीएम मोदी ने कहा भी है कि भारत और रूस तेजी से बदलते विश्व में कई अहम रोल निभा सकते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, ब्रिक्स, आसियान जैसे संगठनों में दोनों देशों की अहम भूमिका है। लिहाजा ये डील दिखाती है कि दोनों देश आगे मिलकर हर मुद्दों पर साथ लड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।